तस्मये श्री गुरुवे नमः। अध्यात्मगति तत्वज्ञं ज्ञानशक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थवक्तारं श्रीनारदं प्रणमाम्यहम्। श्री राधा माधव रूपां वे माधवो राधा रूपिणं श्री नित्य विहारी निकुंजस्थं श्री बाबूजी बाबा भजे। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री नंदनंदन के पास, हरि प्रेम ब्यास इतनो बढ़ो सखिना छूटन किया। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री लाडली लाल की भक्तवत्सल भगवान की परम पूज्य बाबूजी बाबा की देवर्षि नारद जी महाराज की श्रीमन नारदीय निकुंज की कुंज बिहारी बिहारिणी जो की जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हो कार्तिक? 135 वर्ष की आयु पूज्य महावतार बाबा के भी 2 बार दर्शन हुए, वैसे कई बार हो चुके हैं। उन्होंने इन्हीं प्रगट नेत्रों से सिद्धाश्रम को देखा। 1889 में जन्म हुआ था। हम सब मिलके आए, उसका वीडियो भी डाला है। राधा रमन भैया को लेकर मैं 1000 वर्ष से ऊपर के संत से भी मिला, एक सिद्ध महात्मा से। संत चाहे बड़ी आयु के हों, चाहे पूज्य प्राची जी की तरह छोटी उम्र में चले जाएं, महापुरुष महापुरुष होते हैं। बहुत बड़ी बात है। भगवान के प्रति अनुराग कैसे बढ़ेगा, प्रेम कहाँ से मिलेगा? सीधी बात है। मैंने ये बात पूज्यपाद वाटिका वाले श्री नारायण दादा से पूछी थी। मैंने पूछा कि दादा, भगवान को अपना कैसे माने, भगवान में अपनापन कैसे बढ़े? तो उन्होंने कहा, जो अगर प्रगट भगवान को अपनापन ना बढ़ा पाए, उनमें स्नेह ना बढ़ा पाए, तो जो भगवान को अपना मान चुके हैं उन्हें अपना मान लेने से भगवान में अपनापन बढ़ जाता है। मतलब कि हम महापुरुषों संतों को अपना मानने लगे। हमारे तुलसीदास बाबा ने ये लिखा है, उसी समय गोस्वामी जी की कृपा, भगवान को संत आकर्षित करते हैं, संत खींचते हैं। इसलिए भगवान में प्रेम कैसे बढ़ेगा, एक विचार मैंने रखा। ये महापुरुष तो अलग अलग बातें और अलग अलग विधा, अलग अलग साधक, उसके लिए अलग अलग साधना। तो बताते हैं किस प्रकार से हम भगवत प्रेम को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से भगवत प्रेम हमारा बढ़े। ठीक है। इस जीवन काल में मुझे ये उत्तर दो, किसके मन में है, इस जन्म में मूड है कि इसी जन्म में मिला जाए भगवान से। पीछे कौन कौन है आपके? इधर आप ही हो, आप पीछे कौन? सबका। अच्छा माँ, आपका भी मन है ना, मेरे प्रश्न सुन लिया? अच्छा अच्छा, किनका इस जन्म में मिलने का भी मूड नहीं है, चलेगा भी कहीं। इस जन्म में किस किस का भगवत प्राप्ति का, इसी जन्म में भगवान मिले, ये जिनका मन है कि भाई हम भगवान से मिलें, उनके दर्शन करें। किसका है दोबारा बताइए? जय जय श्री राधे। दूसरा मेरा प्रश्न है, किसका पक्का मन बन चुका है कि मिलना ही है? अभी कच्चे वाले आपने मन है ये सब नहीं, ईमानदार से बोला पक्का मन किसका है कि पक्का है? जय जय श्री राधे। चलिए, किसका ये विश्वास सुस्थिर हो चुका है कि भगवान इस काल में भी मिलते हैं? जो ये सुनिश्चय कर चुके हैं। जय जय श्री राम। आप लोगों ने बहुत अच्छी बात कही। कुछ लोग बड़े ईमानदार हैं, उन्होंने सब पे हाथ नहीं खड़ा किया। ये कहा अभी किसी ने पक्का निश्चय नहीं किया तो उन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया है, लेकिन मन सबका है। एक कोने में ये बात आती है, भगवान मिले तो। जैसे बहुत पहले गाना गाते थे ना कि आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, अर्जुन की बन गई, गीता ज्ञान पाए से तेरी बन जाएगी, राम गुण गाए से तेरी बन जाएगी, कृष्ण को रिझाए से। भगवान कैसे रिझेंगे? इस बार द्वारका कथा में हमारा एक विषय रखने का मन है। अंगद जी ने मुझे विषय दिया, अंगद जी ने मुझे कहा, फिर मैंने कहा ये तो अर्थ पंचक की तरह हो गया। इन्होंने कहा भगवान मिलते हैं। क्या क्या कहा था? क्या भगवान मिलते हैं? दूसरा किसको मिलते हैं? तीसरा कैसे मिलते हैं? और मिलने के बाद क्या क्या हो जाता है, मतलब मिलने से क्या होता है? ये प्रश्न श्री मधुर कवि जी गरुड़ जी के अवतार थे। हम बताएंगे पूरा चरित्र विशद में। उन्होंने जाके श्री षटकोपाचार्य जी से ये प्रश्न पूछे थे, और ये अर्थ पंचक के यही प्रश्न आते हैं। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायम फलम प्राप्तिस्तथा प्राप्ति विरोधी च। हमें पाना क्या है? इस दुनिया में सबको पता है कि हमें क्या चाहिए, सारे लोग, इस बारे में किसी को डाउट नहीं है। सुनिए, आप किसी मुस्लिम से पूछेंगे क्या चाहिए, वो कहेंगे अल्लाह। और आप और हमसे कोई पूछेंगे तो कहेंगे लल्ला। लल्ला कौन? आहा हा हा। मैं भैया आज आपको याद कर रहा था, अभी मैंने आपका स्मरण किया, आप आ गए। उन भैया से बात कर रहा तभी आप। किसी से कहेंगे, ईसाई से पूछो किससे मिलना चाहोगे? जीसस। यहूदी से यहोवा से मिलेंगे हम। जैनी महात्मा उस जिन तत्व में स्थित हो जाते हैं, अरहन तत्व जिसे बोलते हैं, जिस पद को समस्त तीर्थंकरों ने जीव मात्र के लिए बताया, बौद्ध जिसे महानिर्वाण कहते हैं, सब अलग अलग नाम से बोलते हैं। अगर मैं सीधे पूछूं एक सामान्य भाषा में, यहाँ से सब में अंतर हो जाता है। नहीं, हम तो रामोपासक वैष्णव कहेंगे हम राम जी को पाएंगे, कृष्णोपासक वैष्णव कहेगा हम कृष्ण को भगवान को पाएंगे, शाक्त कहेगा माँ जगदम्बा और शैव कहेगा मैं शिव जी को पाऊंगा। आप जानते हैं एक जगह हमारे वेद कहते हैं सब कॉमन बातें हैं। पूछेंगे अगर मैं पूछूं जीव एकमात्र तो बोले भैया अंतर अंतर है सब में, प्राप्य ब्रह्म अलग अलग होता है। मैं कहता हूँ सब किसको चाहते हैं? अंत में आनंद को चाहते हैं, महान सुख को चाहते हैं। ईसाई से पूछो तुम सुखी होना चाहते हो कि दुखी? मुसलमान से पूछ लो, हिंदू से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, राक्षसों से पूछ लो, मतलब वो परम सुख वो आनंद सब पाना चाहते हैं। और हमारे यहाँ शास्त्र में कहा भगवान कौन है? आनंदो ब्रह्म विजाना, आनंद ब्रह्म है। तभी हम कहते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर में कौन आया? आनंद। क्यों? तो हम आपसे यही कहते हैं उस आनंद को हम प्राप्य ब्रह्म कहते हैं। प्राप्ता कौन है? किसको पाना है आनंद? तो हम कहेंगे हमें पाना है हमें, इसका मतलब प्राप्ता हम हैं, उसका क्या स्वरूप है और वो महान आनंद मिलेगा कैसे, वो आनंद मिलेगा कैसे? देखो अनंत जन्मों से कोई नशे में आनंद ढूंढ रहा है, कोई गलत काम करके, कोई व्यभिचार करके, कोई सत्यवादिता पे चल के, कोई ईमानदारी से ढूंढता है, कोई बेईमानी से ढूंढता है, कोई हत्याएं करके ढूंढता है। आप जानते हो ना सब कि उस आनंद को पाने के लिए अलग अलग तरीके से यात्रा तो करते हैं। कई लोगों तो उन्हें ये नहीं पता उन्हें चाहिए क्या, पर पता नहीं होने से क्या, पर उनके मन को पता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो बता नहीं सकते उन्हें क्या चाहिए। शास्त्र हमें बताते हैं एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए और वो हमें मिलेगा कैसे और कहाँ से मिलेगा, वो ये शास्त्र बताते हैं। इसीलिए ये चीज़ें हैं। भगवत प्राप्ति का मतलब उस महानतम आनंद को पाना है, उन भगवान को पाना है। लोग कहते हैं आनंद मतलब सुखी हो जाना, इसका मतलब वो एक कोई ऐसी स्थिति खुश हो जाने वाले, जैसे पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। सुनिए ना, मैं आपको बताता हूँ आनंद की जो आपकी भीतरी अवस्था होती है आनंद को पाने के बाद, उस एक जैसी होती है सब में, पर जो आनंद जहाँ से आता हुआ दिखता है वो स्थान हमें अलग अलग दिखते हैं। कोई इस दिव्य ज्योति को देख के प्रसन्न हो जाता है और कोई तो हो, हमें तो वही भगवान की श्याम सुंदर सच्चिदानंद विग्रहम, ऐसे हमें प्यारे श्याम सुंदर चाहिए। तो आप समझते हो ना, तो इसीलिए हमने आनंद की परिभाषा को भी, हमने आनंद का साक्षात्कार अलग अलग तरीके से लोगों ने किया है, इसीलिए उनका आग्रह भी उस स्वरूप में होता है। बाकी हम बोले तो भगवान विशुद्धतम आनंद घन स्वरूप होते हैं। इतना आनंद है भगवान में। भगवान चाहे बालकृष्ण के रूप में आए, चाहे भगवान मुरली मनोहर के रूप में, चाहे वो युगल सरकार के रूप में प्रिया प्रियतम दिखें, भगवान में सदा सर्वदा महानतम आनंद भगवान में होता नहीं, भगवान सदा सर्वदा महानतम आनंद ही हैं। ठीक है, तो ये बात बहुत अच्छी है। इस विषय को हम लेंगे और इसे समझाएंगे भी। और हम भगवत प्राप्ति का मतलब आपकी नज़र का जो पहली भगवत प्राप्ति आप जिसे समझते हो, भगवान के दर्शन। कई लोग आत्म साक्षात्कार, कई लोग कुंडलिनी के जागने को, कई लोग मोक्ष की अवस्था को भगवत प्राप्ति समझते हैं। ठीक है, भगवत तत्व बड़ा विलक्षण है, इसीलिए उसके बारे में इदम और इत्थम करके नहीं कह सकते। तो हम आपसे इतना कहते हैं, हमारा तो एक हमारो मुरली वारो श्याम, और जो इस मार्ग पे चल रहे हैं उनके लिए हमने सुनिश्चित कर लिया है कि वो इसी जन्म में उस लक्ष्य को प्राप्त करें। प्राप्ति उपायम, प्राप्ति के उपाय क्या? फलम प्राप्ति सता, प्राप्ति का फल क्या? भगवान मिलेंगे तो क्या होगा? वैसे ये तो प्रश्न है आपको, इतना ये कुछ वैसा वैसा बचपने और भोलापन का प्रश्न लगता है। रसगुल्ला मिल जाए तो क्या होगा आपको? जैसे मान लो आपको पकोड़े बहुत पसंद है, तो पकोड़े मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा, क्या होगा? आप जानते हैं आप सुखी होंगे, पर पकोड़े से एक अंश में सुखी होंगे। सही है ना? हम बताएंगे कैसे संसार के भोग एक अंश में थोड़ी देर तक के लिए आपको सुखी करते हैं, फिर आपके अंदर और तेज़ी से विषयों की और क्रेविंग और चीज़ उठती है। तो ये बात तो ठीक है। तो प्राप्ति के उपाय, प्राप्ति का फल और प्राप्ति के विरोधी। हम आपसे कहें अगर प्राप्ति के उपाय आपने कम किए हैं पर प्राप्ति के विरोधी अगर आपने ज़्यादा कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। जिस चीज़ से भगवत प्राप्ति होने में बाधा लगती है उस चीज़ को आप लोग सीख जाएं। मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय ले लिया। भगवान को इस जन्म में पाना चाहते हैं उन लोगों के लिए कुछ ऐसी बातें होती है। बेटे, भगवान भक्त से कुछ अपेक्षाएं करते हैं, हमारा जीवन कम से कम वैसा हो। मैं आप लोगों से कहता हूँ रोज़ आप भगवान की वार्ता सुनते हो, रोज़ भगवान से प्रेम करने के लिए सत्संग करते हो, इस पथ पे अग्रसर होते हो, लेकिन प्राप्ति के विरोधी साथ साथ चलते हैं। पल में हम क्या होते हैं, विकार से युक्त हमारे जीवन हो जाता है। पल में कोई सोच आई और हम पतित हो जाते हैं, स्खलित हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। पल में ऐसे कोई चीज़ आती है हम इतना क्रोध में भर जाते हैं, सारा विवेक भूल बैठते हैं। पल में हम इतने ईर्ष्यालु होते हैं कि हम दूसरे का अस्तित्व नष्ट करने पे तुल जाते हैं। जब ये ईर्ष्या, जब ये राग द्वेष साधकों में आता है तो उसकी साधना को खाता और भयानक रूप से। देखिए, लौकिक लोगों में राग द्वेष थोड़ी चीज़ नष्ट करता है, लेकिन अगर आध्यात्मिक साधकों में राग द्वेष होता है तो उसके महानतम उपलब्धि का नाश करता है। इसलिए हम ये कहते हैं प्राप्ति विरोधी वाले तत्व हैं, उनसे बचो। बड़े स्मार्टली हम खेल रहे हैं, बड़े स्मार्टली, बड़ी होशियारी से दूसरे को गलत सिद्ध करना, अपने को ठीक सिद्ध करना, ये संसार में होता है। भक्त हर बात के बाद अपनी गलती निकालता है, पर अगर साधक ऐसा हो जाए बेटा जो गलतियां सिर्फ दूसरे की निकालता हो, अपने आप को पढ़े ही ना कि मेरा व्यक्तित्व क्या है, दूसरे को पढ़ने लग जाए, वो साधक थोड़ी होता है। स्वाध्याय होता है इस भक्त के जीवन में, स्वयं का अध्ययन। साधक क्यों पढ़ रहा है दूसरों को, उसे इस बात से क्या प्रयोजन है? मेरे को इसने जो दुखा दिया, मेरा इसने मेरा ये बुरा कर दिया, मैं इसका ये इसका सर्वनाश कर दूं, इसका बदला मैं इस चीज़ से दूंगा। उसकी हालत उस कुत्ते की तरह है जो दो जन गंगा नहाने के लिए जा रहे थे, कालिया लालिया, तो और जैसे गाज़ियाबाद पहुँचे, लालिया तो थोड़ा दुम दबाता, थोड़ा चूं करता और भाई साहब करता निकल गया गंगा जी नहाने। क्योंकि एक संत ने बोला पिछले जन्म के पाप से कुत्ते बने हो, अब मुक्त हो जाओगे, भगवान के धाम वैकुंठ चले जाओगे। संत की बात मानी तो लालिया तो थोड़ा दब के, थोड़ा पूंछ दबा के, थोड़ा सा अपनी प्रेस्टीज, अपनी पूंछ जिसकी बहुत बड़ी होती है, पूंछ उठा के ही रखता है जो सदा मैं भी कोई चीज़ हूँ, मुझे पूछा नहीं, मुझे ऐसे नहीं किया, नमस्ते नहीं किया, मेरे साथ देखा नहीं। यही शिकायतें पूंछ की सबसे ज़्यादा रहती है। तो ये जो पूंछ, उसने पूंछ ही दबा दी, उसने कहा नहीं पूंछ वाले चक्कर में पड़ना नहीं है, फिर पूंछ ही मिलती है अगले जन्म में। तो लालिया चला गया, पर कालिया अब मैं इन कुत्तों को ठीक करूँगा, इनके तरीके से एक बार मैं ज़रा सेटलमेंट करूँ। हाँ भाई, तू कैसे भौंका भाई, और इधर लग गया उधर लग गया, बराबर ईंट का जवाब पत्थर से देने की रीति पे चल पड़ा। लालिया गंगा जी भी हर की पौड़ी में स्नान करके आया और हर हर गंगे बोल के, भैया अब इस जन्म मेरा मैं मुक्त हो गया, जीवन मुक्त, चलो अपने दोस्त को बताता हुआ चलो अपने गांव वापस जाऊं। लालिया वापस आया और रास्ते में जा रहा तो फिर गाज़ियाबाद पड़ा, हरिद्वार के रास्ते में। तो बोला, अरे कालिया तू नहीं जाएगा? कालिया ने कहा, अभी तो विजयनगर के कुत्ते रह गए हैं, बस मैंने नेहरू नगर, कवि नगर सबके ठीक कर दे। विजय नगर के कुत्तों पे मुझे विजय पानी है। क्या वो कालिया कुत्ता कभी 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 और गंगा जी नहा पाएगा? क्योंकि आज विजयनगर के उनको दबाएगा तो कवि नगर के फिर भौंक पड़ेंगे। हैं? अपना भवन बुहारने की पद्धति साधक की थी। साधक इतना बेकार कब से हो गया? देखो दूसरों का दोष देख देख के इतने परेशान, किसी को कोई दुखी नहीं कर रहा है, अपनी मूर्खता दुखी करती है। जीवन जीने की पद्धति भूल गए। माला लेते हो, जप करते हो, आक्षेप करते हो दूसरों को। अरे भगवान कहते हैं बेटा पूछो, ये तो हरि गुरु से पूछना चाहिए कि मैं कितना ठीक हूँ। जब आपने ही डिक्लेयर कर लिया आप इतने ठीक हो, तो फिर आप ये भी तय कर लो परम गति भी आप अपने आप को दे देना। एक घर में फैशन था, जहाँ भी ब्याह होता घर के लोगों का तो उनको एक उनके गुरुजी पेटेंट करा रखे थे उन्होंने कि इन्हीं गुरुजी से दीक्षा होगी तो रिश्ता होगा। तो एक लड़का उस परिवार की और जो बहन जी थी उससे रिश्ते की बात हुई, तो उस लड़के और जो लड़की का परिवार था पूरा सब जगह कुल गोत्र सब मिल गया, सारे गुण मिल गए। एक जगह बात अटक रही थी कि भाई इसके गुरुजी और जो है लड़की के परिवार के गुरुजी, उनको स्वीकार लड़के वालों को भी करना पड़ेगा। लड़के का मन तो नहीं था, किंतु लड़के ने सोचा, घर वालों ने तो इनकार कर दिया, भाई इतनी शर्त रखोगे तो हम नहीं करेंगे ब्याह। पर लड़के ने कहा नहीं मैं कर लूँगा। तो बोली गुरुजी तो पर्सनल चॉइस होते हैं भाई, तुमने गुरुजी भी थोपे जा रहे हैं तुम पे। उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं करूँगा। पर भीतर तो खुंदक थी, मजबूरी में करना पड़ रहा था। तो गए, ब्याह के फेरे के ठीक समय पहले बुला लिया गुरुजी को। तो गुरुजी ने कहा दीक्षा तुम्हें दूंगा। तो उन्होंने कहा तुम तैयार हो दीक्षा के लिए? बोला हाँ मैं तैयार हूँ। दीक्षा नहीं चाहिए थी, हैं? वो तो वधू को लेने आया था। लेकिन उसने कहा ठीक है। कभी कभार शौक में भी हमारा एक बालक यहीं बैठा है, क्या बताऊँ, यहाँ गया अपने घर के रिश्तेदारों को ब्याह में, आके मुझे कह रहे हैं भैया वहाँ पे ना सब लोग एक गुरुजी आए थे और उन्होंने मुझे बुलाया और तुरंत ऐसे ढक के दीक्षा दे दी। मैंने कहा रे मजाक चल रहा था, ऐसे दीक्षा लिया है? हमारे भक्तों में एक ही माता जी एक बड़े सत्संग में लोग ले गए, तो वहाँ 5-6 लाख लोग देख लिए। तो वहाँ आके मुझे कह रही भैया मैं नु कहूँ मैं तो दीक्षा ले आई, नामदान बट रहा था नाम ना। तो हमारे यहाँ तो पर्चे भी बटे, तो लोगों में ये रीति है पर्चा दे दो, हलवा बटे तो हलवा दे दो, प्रसाद समझ के लेते हैं लोग सत्संग में। तो ये दीक्षा भी लेनी चाहिए। अब दीक्षा किसकी ले रहे हो, क्या उनका मार्ग है, क्या आपका लक्ष्य है, कुछ नहीं पता। जीवन में पहली बार सत्संग किया, पहली बार नामदान लिया है। वो तो बेचारे सरल सीधे लोग थे। तो गुरुजी ने कहा दीक्षा लेके वाह वाह मैं प्रसन्न हूँ बेटा, जा मैंने तुझे वैकुंठ दिया, शिवलोक दिया, मैंने तुझे स्वर्ग दिया। तो लड़के को भीतर में बड़ी खुंदक आई। उसने कहा दंडौत करके गुरुजी मैंने आपको कलकत्ता दिया, बेंगलोर दिया और कुल्लू मनाली दिया। गुरुजी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा गधे, कुल्लू मनाली बेंगलोर कलकत्ता तेरे बाप का है? तो बोलो गुरुजी जैसे बैकुंठ और शिवलोक और स्वर्ग आपके बाप का है, ऐसे ही वो मेरे बाप का है। क्योंकि गुरुजी को भी कुछ देना वेना नहीं था और शिष्य को वो लेना भी नहीं था। ऐसे ही गलत फहमियों के भंडार बहुत लोगों में होते हैं। अपने आप को सुप्रतिष्ठित कर लेते हैं कि हम एक सही पद पे पहुंच गए, सही है, हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। इस गलत फहमी में इतना घुस जाते हैं, आत्ममुग्ध रहते हैं तो बताइए उन साधकों का सुधार कैसे होगा। द्वेष की आग, ईर्ष्या की आग, विषयों की आग, उसमें जलते रहेंगे जलते रहेंगे जलते रहेंगे और दूसरे को गलत सिद्ध करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। मैं साधकों को बता रहा हूँ, आपने कह तो दिया इस जन्म में भगवान को पाओगे। सबसे बड़ी बात सेठ जयदयाल गोयनका जी की याद कर लेना। संसार में राग न छूटा कोई बात नहीं, पर ये द्वेष है ना, ये द्वेष जब तक एक व्यक्ति से भी रहेगा। देखो एक सामूहिक द्वेष होता है, वो कभी कभार चल भी जाता है। वो हमारे देश पे उन्होंने हमला कर दिया पाकिस्तान वालों ने, तो हम भी उस देश के होते हैं, तो हम भी भीतर में वो हमारे पाकिस्तान को कोई बढ़िया चीज़ मिल जाए तो हम क्योंकि इनको तो बम मिल गया, अमेरिका ने उन्हें पैसे दे दिए, यहाँ हमारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। तो ये भी एक द्वेष का स्वरूप तो है ही, लेकिन राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत होके ये स्वाभाविक हो जाता है। ये समष्टि में फैला हुआ द्वेष है, एक बहुत बड़े लेवल में, एक समुदाय में व्याप्त हो गया वहाँ तक। हालांकि द्वेष तो हर प्रकार का द्वेष ही होता है, गलत ही होता है, लेकिन एक व्यक्तिगत पर्सनल दोष होता है ना। अब कोई धर्म का द्रोह कर रहा है, बहुत बुरा, बहन बेटियों के को तंग कर रहा है, राष्ट्र के लिए खतरा बना हुआ है, तो आप उसके लिए मांग करोगे फांसी दो फांसी दो, तो आप उसे द्वेष नहीं कर रहे हो, न्याय मांग रहे हो। लेकिन एक पर्सनल कारणों से दूसरों से चिढ़ना, कलपना, ये परिवारों में होता है। अगर हम साधक बन के एक परिवार में सही इकाई में नहीं जी रहे हैं, थोड़ा सा भी हमें सुनने की आदत नहीं, थोड़ा सा भी हमें सहने की नहीं, क्योंकि हमने अभ्यास ही नहीं किया। इसीलिए बेटे बात ये है, भगवत प्राप्ति का भाव भी समझना चाहते हो तो अपने जीवन को इस तरफ बढ़ाओ, थोड़ा साधकत्व तो दिखे। गांधी बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही थी जिससे पूरा भारतवर्ष तबाह हो गया, पीढ़ियां की पीढ़ियां अपनी किस्मत को कोसेगी। बंटवारा हुआ हमारे देश का, बंटवारा हुआ। अब ये सुंदर बात कही और बर्बाद करके रख दिया। आप कहोगे ये कौन सी बात कह रहे हो, मैं सुना रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। भीतर मन में कभी कभार आग लग जाती है इस बात को सोच के कि हमारा देश हजारों वर्ष तक संघर्ष करता रहा, ठीक है, बड़ी मुश्किल से शताब्दियों के बाद भी राष्ट्र आज़ाद होने लगा। भारत माता के दो हाथ की तरह काट दिए गए दोनों तरफ से, एक मजहब के नाम पे दिया गया, दो हिस्से कर दिए गए, सही है ना, दिए गए। अब ये तुम्हारा है, तुम लोगों का पर्सनल, वो उनके धर्म के हिसाब से वो राष्ट्र बन गए, पर ये वाला नहीं, ये किसी का नहीं होगा, ये दोनों का बराबर होगा, ये बचा जो। एक बार कोई बाप मर गया तो उसके पास एक कंबल थी और एक भैंस थी, तो इन दोनों का बंटवारा कर दिया, भारत, बड़ा भाई छोटा भाई। तो बड़ा भाई इतना चतुर था, उसने क्या किया, उसने बोला ये पिताजी की प्रॉपर्टी है, ये घर में हम दोनों रहेंगे, पर ये कंबल भैंस कैसे बांटे। तो उन्होंने कहा घर के तो कमरे कमरे बढ़ जाते, इतने तेरे इतने मेरे, लेकिन आप भैंस आदि और कंबल आदि कैसे करें। तो बड़े भाई ने कहा सुन, ये जो कंबल है ये दिन के समय तेरी रहा करेगी, रात में मेरी। अब दिन में कंबल की ज़रूरत ही ना पड़े, रात में ज़रूरत पड़े, तो कह दिन में कंबल तेरी रात में मेरी, और ये भैंस का पीछे का जो क्षेत्र है वो मेरा और आगे वाला भाई तेरा। मैं तो बड़ा हूँ तो थोड़ा पीछे ही खींच जाऊँगा। तो उसने बोला मैं तो कोई बात नहीं, बड़े तो पीछे हो ही जाते हैं, बड़े तो बात हमेशा से पीछे करते ही हैं, तो भैया हमें तो भैंस का पीछे वाला क्षेत्र और तुम्हें आगे वाला दे देते। अब यहाँ से बात हुई, ये बेईमानी की कितनी पराकाष्ठा थी कि रात्रि में सर्दी लगती, रात्रि के समय आता और कहते कंबल दो, और अपना कंबल ओढ़ के तान के सोता, छोटा बेचारा कुनमुनाता रहता और सारे दिन भैंस को खिलाता वो सारे दिन। और जब दूध धोने का समय आता तो वो हाँ दूध ले जाना है हमें, तो अचकाचक दूध बिकता भी, उसका खर्चा भी चलता और छोटा अपना सब वो करके रह जाता। बड़ा दुखी था मन मन। एक महात्मा जी अक्सर मिला करते थे मंदिर के पास में, तो अलमस्त महात्मा को प्रणाम किया छोटे ने, राम राम जी। बोले भैया उदास है, कोई बात है? तो उसने यथावत स्थिति कह दी। महात्मा ने कहा अरे भाई भाई आपस में इतने ठगते हैं एक दूसरे को, वाह रे संसार वाह। तो उन्होंने कहा, महात्मा जी ने कहा बेटा अब एक मंत्र देता हूँ तेरे कान में, तेरा भाई कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगा। तो बोला अच्छा गुरुजी। कान में कुछ सिखाया। अब क्या हुआ, अगले दिन जब छोटे भाई को कंबल मिला तो कंबल पूरे दिन भिगो के रख दी पानी में, रात तक कंबल भीगी रही। और रात को वो इलाका जैसे अपने राजस्थान वगैरह की तरह रहा होगा तो रात में तो ठंड हो ही जाती, गर्मी हो सर्दी हो, सर्दी हो रेत रात को ठंडी हो जाती है तो ओढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो रात को जब ठंड का समय आया, अभी तक तो बेचारा छोटा बोरियां ओढ़ ओढ़ के काम चलाता था, लेकिन जब बड़े भाई के पास में हैं और वो कंबल लेके आया तो गीली कंबल। उसने बोला ये क्या कर दिया तुमने? बोला हमारा समय था, हमारे समय में हम कुछ भी करें। बड़े ने देखा चला गया अपना समूह लेके, रात भर परेशान रहा, नींद नहीं आई। इतने दिन से छोटे को तंग कर रखा था, तब पता लगा। अब क्या हुआ, अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही दूध धोने बैठा भाई वो बड़ा, तो ऐसे ही आगे वो क्या करता, एक बड़ा सा लठ लाता तो भैंस को दिखाता, तो भैंस भिदकती, टांग मारती, बाल्टी गिरा देती था। तो भाई ने कहा ये क्या कर रहा है यार? उन्होंने बोला अपने वाले हिस्से में हम कुछ ही करें, ये तो हमारा वाला हिस्सा है। और 2-3 दिन में ही बड़ा भाई सही लाइन पे आ गया। बोले भैया देखो बात ये है, अब तुम बताओ कंबल तुम रख लो और भैंस का दूध आधा आधा बांट लेंगे। देखो ये बात समझ रहे हो ना, ऐसा हमारे साथ हो गया। तो बड़ी सुंदर बात जो मैं बता रहा था गांधी जी ने कही, जिसके कारण सनातन धर्म में हमारे राष्ट्र को और बड़ा बहुत बहुत नुकसान हुआ, वो था कि कोई एक गाल आपका थपेड़े तो अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो। तो दूसरा व्यक्ति इतना दुर्दांत था कि रैपट पे रैपट बजाए चला गया, अगली बार उसने आपकी नाक पे घूंसा मारा। कहाँ से लाओगे तीसरा? कह रहे तीसरा गाल कहाँ से लाओगे? वो दया करेगा एक दुर्दांत असुर के सामने? आप ये कहोगे कि हाँ थप्पड़ मारे चले जाओ भाई साहब। ये था, ये नियम था परिवार के लिए, ये नियम था गुरुजनों के लिए, ये नियम था। ये सुंदर बात इसलिए कि ये माता पिता महापुरुषों संतों के सामने, अपने घर के लोगों के सामने ये व्यवहार रखा था। कोई बात नहीं, आपने हमें कुछ कह दिया, हम और भी आपसे सुन लेंगे। उसी समय उनका अपनत्व पसीज जाता है। किसी बैरी, किसी दुश्मन, किसी शत्रु के सामने ये व्यवहार करने की बात, इसी का कारण इस बात को उन्होंने सभी जगह अप्लाई कर दिया। उन राक्षसों के लिए कह दिया जो दूसरे देश से आए थे, जिन्होंने हम पे बरसों से अधिकार करके रखा था, जो लूट के कितने सारे देशों में ले गए। उन विदेशियों ने क्यों नहीं हमारा देश छोड़ा? इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि बहुत दिन तक हमारे रेपटे खाने वाले लोग भारत में पैदा हो गए। समझ रहे हो ना? तो ये जो सिद्धांत तो था संतत्व का, ये हमारा सिद्धांत था, पर ये अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बड़ों में ये व्यवहार करना पड़ता है। इससे परिवार बनता है, चीज़ बनती है, सब चीज़ें। मैं साधक मात्र से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, सयाने मत बनो। अगर मैं कहता हूँ गुरुजन भी कब तक आपके अपने, जब तक आपको मीठी बात कहे। अगर एक बात ये कह दे बेटा यहाँ तुम गलत हो, ये तुम्हारी सोच का तरीका ठीक नहीं है, उसी समय पक्ष नहीं ले रहे हो मेरा, उसी समय अपने व्यवहार पे आ जाते हो। आपकी हालत ठीक उस तोते जैसी है जो एक टांग खींचते थे तो वो तोता बड़ा और गालीबाज तोता था, और उसको एक महात्मा ने और अपने पास में रखा। और फिर वो तोता क्या हुआ, किसी नहीं, उसको एक ट्रेनिंग देने वाले ने अपने पास रखा। और ट्रेनिंग, तोता गाली देता, अब उसे कैसे सुधारें? तो उस तोते को उस ट्रेनिंग देने वाले ने ऐसे ट्रेन किया कि दाईं टांग खींचो तो वो बोलता है सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, और बाईं टांग खींचो तो वो कलमा पढ़ने लगता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो पढ़ने लगेगा। अब लोगों ने कहा धर्मनिरपेक्ष तोता नेताजी ने खरीद लिया। तो मीडिया में खबर बन गई कि नेताजी का सेकुलर तोता, सब धर्मों को बराबर मानता है तोता, तोता ये तोता वो तोता, तोते की घटना मीडिया में। और तोते का मालिक भी तोते की तरह बड़ा खुश हो रहा है, इंटरव्यू दे रहे हैं लोगों को, देखो ये हमारी भावनाएं हैं, ये ऐसा उन्होंने प्रचार किया। तो अब बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, छोटे बच्चे भी इकट्ठे हो गए। अब क्या हुआ, इधर प्रेस चल रही है, वो वीडियोस बन रहे हैं, तोते को दिखा रहे हैं, नेताजी तोता नेता दोनों ऐसे बड़े। अब बच्चे, छोटे बच्चों में चुहल होती है, छोटे से बच्चे ने और क्या किया, ऐसे ही एक टांग खींच दी, दाईं खींची सीताराम राधे श्याम लाई लाई, सीताराम लाही लाई। अब एक बच्चा ऐसा भी आ गया, कोई हमारे गणेश जैसा, उसने दोनों ही टांग खींच दी दोनों। अब उसका कंप्यूटर हैंग हो गया, क्या बोलना है। तोते ने वो पुरानी गालियाँ जो उतनी बढ़िया बढ़िया वो सारी वहीं सब लोगों के सामने उड़ेल दी, और सारे मीडिया वाले हक्के बक्के रह गए। आप समझ रहे हो ना, ये हमने जो सीखा है, नमस्ते हम भक्त हैं, भगवत प्राप्ति, प्रभु जी ये और बड़ी बड़ी बातें, कुंज में जाओगे। कौन से कुंज की बात कर रहे हो, कौन से प्रभु की बात कर रहे हो? क्या चीज़ है तुम्हारे जीवन के अंदर? वो चीज़ है त्याग है। आचार्य, बड़े जनों, गुरुजनों का, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने राष्ट्र, किसी धर्म की मर्यादा का सम्मान है। तो इसलिए गलत फहमियों में ना रहें। ये मैंने आपसे इसीलिए पूछा, अगर आपका स्वभाव नहीं सुधरा है तो या तो आपके गुरुजन में दम नहीं है, या आप एकदम निखट्टू और दुष्ट शिष्य हैं जो अपने गुरुजनों की कुछ नहीं मानते हैं। तो इनमें से तय कर लो आप किस जगह जाके खड़े होंगे। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे तो बात बनेगी। हम आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करते, जिस दिन आपके अपने घर वाले, आपके घर के पूरे साम्राज्य में आप लोग परस्पर इतना घुल मिल जाएंगे, कुछ वो कौन सा उकदा है जो हो नहीं सकता। साधक अपने व्यवहार से सबको जीत लेता है, पर साधक उसको ये समझना पड़ेगा, उसे युक्ति और विवेक सत्संग से मिलता है। उसकी अपनी सोच उसे जीत दिलाती है, हर चीज़ पे जीत दिलाती है। कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ जो ठीक नहीं हो सकती, पर हम दूसरों की दोष दृष्टि से इतना ग्रसित हो चुके हैं, पल पल दूसरों में दोष निकालते हैं। और हम भगवत प्राप्ति करनी है हमको तो हैं। एक बार ये हमारे कुछ बच्चे एक तकिया कलाम का बोला करते थे, सारी बात कर लो, सारी चुगली कर लो, हमें तो भजन करना है। ये भजन करने वाली माताएं, अगर जो वो सब बात कर लेगी, सब चुगली, फिर हमें क्या करना है, हमें तो भजन करना है। तो ये हंसा करते थे आपस में। लेकिन मुझे लगता है ऐसा ही होता है रियल लाइफ में। ये भजन करने वालों की, संसार का आदमी करे कुछ अचंभे की बात नहीं, करने दो, लेट देम डू। वो उनकी ज़िंदगी है, उनको रस आता है। दूसरा दुखी होता है, वो खुश होते हैं। चीज़ टूट फूट जाती है, वो प्रसन्न होते हैं, वो उनका सुख है। पर साधक तो जहाँ जाता है वहाँ निर्माण करता है ना, कुछ कमी है तो उसे ठीक करता है ना, कुछ है तो योगदान करता है ना। कमी बेसी निकालने के लिए तो है नहीं। एक काम साधक को करना था, अपनी कमियां निकालनी थी, साधक जी लग गए दूसरों की कमियों निकालने में, और ये बड़ा दोष से युक्त बात है। तो मैंने प्राप्ति विरोधी आपको यहीं बोल दिया, फलम प्राप्तिस्तथा, तो मैं बताता ही रहता हूँ और खूब बताऊँगा। जहाँ मुझे पहुँचना था वहाँ मैं पहुँच गया। मुझे ये बात मानोगे तो फिर भी नहीं, तुम ये बात मैं ज़रूर मानता हूँ, इसमें भी बताओगे, आप जानते भी हो सारी बातें। बेटा मैं इतनी जानता हूँ कि आपकी सारी स्मार्टनेस सारी समझता हूँ। जहाँ आप गलत होते हो ना, आपकी बात में हाँ, हाँ जी, जी ये सब कर देता हूँ, लेकिन सब समझ में आता है कौन सी दिशा में खेल रहे हो। ठीक है, आप ये रहने दीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप बिना बहानों के अपना जीवन सुधारें, सो अच्छा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, आपका अपना जीवन बनेगा। आप समझ गए होंगे बात, मैंने जनरलाइज करके मैं सब साधकों के लिए इसलिए कहता हूँ कि वो सब साधु काम की आती है। हर रोज़ हमारे जीवन में से घटना होती है, हर रोज़ हम छोटी सी बात पे अपनी पत्नी को सुनाते हैं, या फिर पत्नी है वो पति से झगड़ पड़ती है, या फिर हम बच्चों को ही पीड़ देते हैं। ऐसा भी होते हैं, बहुत लोग होते हैं। ये भी अभी पूज्यपाद प्रातस्मरणीय प्रेमानंद बाबा सरकार कह रहे थे कि पुराने टाइम में टीचर वो और बड़े डंडे वगैरह लेके धड़ाधड़ मारा करते थे। मैं अध्यापक हुआ करता था और बच्चे और मुर्गे बन के रहते थे, तो मैंने तो कभी नहीं बनाया। बच्चे बड़ी आशा भरी नज़र से और जय श्री कृष्णा बोला करते थे कि ताकि श्री कृष्ण का नाम सुन के उनके टीचर से सिफारिश कर दूँ। तो मैं हर रोज़ बोला करता था, मैं 12वीं का क्लास टीचर था, 2005 में, ये कृष्णा प्रभु के टाइम की बात है। तो मैंने उनके अध्यापकों से पूछता, अरे सर क्यों हुआ, मैडम आपने इनको सबको मुर्गा बना के खड़ा किया हुआ सबको। तो वो कहते थे सर बात ये है कि ये सब यही बनने योग्य है। मैंने कहा भगवान ने इन्हें इंसान बनाया, आपने फिर इन्हें पशु और पंछी की होनी दे दी। एक बच्चा एक दिन स्कूल नहीं आया, तो टीचर ने पूछा कल क्यों नहीं आए, तो बोला मैडम मुझे बर्ड फ्लू हो गया था। तो वो बोला बर्ड फ्लू गधे, वो इंसानों को थोड़ी होता है, वो तो मुर्गियों इनको होता है, पंछियों को होता है। बोला मैडम आपने इंसान समझा ही कब, जब जो मुर्गा बन ऐसा होता है कि नहीं होता। तो ये भी एक होता है कि किसी को बहुत पीटना और बहुत ज़्यादा ये भी एक सात्विक संपदा नहीं है हमारे मन के एक अच्छा, समझ रहे हैं। तो इस इन भावों से युक्त साधक। अब ये देखिए बात किसके लिए कही, तो रघुनंदन सोचे देखो उद्धव जी ये आपके लिए कह रहे हैं, बस यहीं फिर साधक दोबारा लग जाएंगे। उद्धव जी कहेंगे मेरे में तो ऐसे सारे सद्गुण हैं, मैंने तो अपने घर में देवी संपदा की स्थापना कर रखी है। ये फर्म मुझे समझ में आ गया, ये बात किसके बारे में कही है, बाल कृष्ण की तो बात नहीं चल रही, अरे अरे नहीं ये तो कृष्ण प्रिया ने की होगी। ऐसा होता है, तो हम जो दूसरों पे बातें थोप देते हैं, सीखने लायक बात सीखेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ आपका बड़ा नुकसान होने वाला है इस जन्म में। तो भगवत प्राप्ति की बात फिर भूल ही जाइएगा अगर आपका ऐसा जीवन का ये तौर तरीका है चलने का। तो श्री लाडली लाल की